आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो फोर्थ स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया, उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100324 29, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यांचक हैं श्री सुरेश, श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर, महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी दयावंती जैन, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश रीता जैन, चंद्रनगर अजमेर, श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती उमा रानी जैन सहारनपुर एवं समस्त परिवार, श्री सनत कुमार जैन, श्रीमती आरती इंदौर मध्य प्रदेश, श्री बुद्धमल जी, श्रीमती सलोचना। आप चाहोगे तब भी छूटेगा, नहीं चाहोगे तब भी छूटेगा, छूटेगा तो छूटेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं जब हे नज़र आ जाए, आज हमें नज़र नहीं आता है, हम सियादबाद के गीत गाते हैं, सियादबाद का झंडा रहे ऊंचा हमारा, लेकिन आज परिवारों में क्यों कलह है? सास कहती है मेरा घर है, बहू कहती है मेरा घर है, दोनों घर में आई हैं, घर लेकर नहीं आई थी, यहीं पर घर मिला है, इसी घर में मिला है, तुम्हारे बुजुर्गों का प्रताप मिला है, तुम्हारे माँ की बाप की परवरिश से तुम इतने बड़े हुए हो, लेकिन बेटा तक कह देता आपने किया क्या है मेरे लिए। सोचो यदि हमारे अंदर सियादबाद होगा तो कह सकते हैं क्या? कहेंगे नहीं, आपके द्वारा आए हैं, आप ही हो हमारे जन्मदाता। लेकिन जब छत पे चढ़ते हो तो सीढ़ियाँ छूट जाती हैं, छत पे चढ़ने के बाद सीढ़ियों से ये नहीं कहना पड़ता है कि सीढ़ी तू जा पीछे, सीढ़ी खड़ी रहती है और तुम पार कर जाते हो, अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हो। इसी प्रकार से जब तक तुम पुण्य में, अभी नीचे गुणस्थान में, मिथ्यात में हो, अवृत्ति में हो, कसाई में हो, पाप में हो, जब तक अपराध से ग्रसित हो तब तक अपराध छोड़ने के लिए पुण्य का सहारा लो, और जब ऊपर उठोगे, पुण्य की पराकाष्ठा हो जाएगी तो तुम्हें शुद्ध उपयोग किया नजर आएगा। अभी अशुभ को छोड़ो, शुभ में आओ, और जब शुभ रूपी सीढ़ियों पर चढ़कर शुद्ध उपयोग में आओगे तो अपने आप सीढ़ियाँ छूट जाएंगे। आज हम लोग एक एक गिन गिन के कुछ छोड़ते हैं, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। अरे छोड़ा कहाँ, दिमाग तो वही है तुम्हारा, कल तक नोट गिनते थे हम माला गिनने लगे, गिनने बंद नहीं हुआ। कल तक कहते थे खूब अच्छा अच्छा पकवान खाएंगे, आज कहने लगे हम नहीं खाएंगे कुछ भी, बस खाना वही खड़ा है दिमाग में। कल तक कहते थे घूम घूमने जाएंगे, बोले आज तो कहते त्याग कर दिया, अब जा ही नहीं सकते। अरे सकते क्यों लगाते हो, सौभाग्य मनाओ, 84 लाख की योनियों में घूमे और कितना घूमना बाकी है। हम जीवन में ये सोचे कि हमें जो मिला था वो कितना था, हम किसी की गाड़ी देख लें हमारी अमन चैन खत्म हो जाती है, हम किसी की गाड़ी देख लें, परिवार देख लें, हर दूसरे की चीज़ देखकर
सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक चार पैसे हैं, सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक चार पैसे हैं, गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। गरीबी और मुसीबत में कौन पूछता है आपको कि आप कैसे हैं। तो आप भी ध्यान रखना, जीवन में अपन को उठना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो जीवन में वो उन्नति प्राप्त करो, वो पदोन्नति प्राप्त करो जो तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए, फिर पदों की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ पद हैं और वहाँ परम पद है। यहाँ आपको भोगा शक्ति है, वहाँ भोगा शक्ति थे अतीन्द्रिय सुख है। लेकिन हम सुख को सुख नहीं जानते हैं, हम व्यवहारिक सुखों को ही सुख जानते हैं। और फिर कहते हैं कि एकांतवाद दूसरी समझ, अरे हम तो पढ़ते पढ़ते मर भी जाते हैं लेकिन एकांतवाद को नहीं छोड़ पाते हैं। हम जो कह रहे वही सच है, ये नहीं सोचते जो सच है वो हमें कहना चाहिए। हमें जनवाणी में नहीं पढ़ना चाहिए, मनवाणी में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें जिनवाणी का साथ देना चाहिए। जिनवाणी जग माते अमर करे दे ज्ञान, जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान। लेकिन वर्तमान में जिनवाणी की हालत वो बना दी, या तो छब्बा के अंबार लगा दिए, गोदामें भर दी, लेकिन पढ़ने के लिए 5 मिनट का टाइम नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र के प्रति इतना आदर का भाव था कि गांव में एक बहू आ जाती थी पढ़ी लिखी तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था कि बेटा तत्वार सूत्र सुना दे। जो सुन भी नहीं पाते थे वो भी बैठ जाते थे कि वाचन हो रहा है, हम कुछ तो पुण्य लगेगा, ये सोच के आदर भाव से बैठ जाते थे। जिनवाणी को कोई पीठ देकर नहीं जाता था, जिनवाणी के विराजमान करते टाइम सब लोग खड़े हो जाते थे, पहले विनती पढ़ते थे फिर जिनवाणी को नमस्कार करके आदर भाव के साथ स्वाध्याय के लिए बैठते थे। आज 5 मिनट का टाइम नहीं है आदमी को स्वाध्याय करने के लिए, खाता बही सीए से बात करने के लिए बहुत टाइम है, और भगवान से ये कह के चला जाता है, मेरे अभिगुण न चितारो प्रभु अपनो बिरद निहारो। क्या कह रहे, तुझे जो तेरे सारे अपराध देख सकते हैं, उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, देख सकते नहीं दिख रहे उन्हें, शकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द जयवंत निति अरि रज रहे सिबीन। सकल गे उनकी ज्ञान में झलक रहे हैं, और तू घर में परिवार में कितना खर्चा करता है, कितनी लगन लगाता है, कितनी चिंता करता है, कितना चिंतन करता है, कितनी मेहनत करता है, पूरा जीवन परिवार के लिए लगा देता है। और परमात्मा कहते हैं कि परिवार के लिए जितना लगाए इतना परिणामों के लिए लगा लेता तो तेरा कल्याण हो जाता। जैसी प्रीति घराम से वैसी हरी से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोए। आचार्य कहते तुम्हारा पुण्य तुम्हारी सार्थकता इसमें नहीं है कि तुम धन इकट्ठा कर लो, बल्कि इसमें सार्थकता है कि तुम धन को धन्य कर दो। लेकिन तुम धन्य नहीं करते हो, तुम धन से और पाप कमा के नरगतियों में जाते हो, नरक गति में चले जाते हो। क्योंकि धन कब सार्थक होता है, धन्य बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकारी सो। धन बुरा होने के बाद भी भला है, खाद बदबू देती है लेकिन सही समय पर खेतों में डाल दो, जमीन को नम्र करके, जमीन को कंकट कीर्ण रहित कर दो तो वो खाद भी फूल दे देती है। इसी प्रकार से हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन भले हमें संसार अवस्था में मिला है लेकिन हम इसे संन्यास में बदल सकते हैं, इसको सुंदर गुलाब के फूल में बदल सकते हैं। हमें कीचड़ में नहीं जीना है, हमें कीचड़ में कमल की भांति जीना है। क्योंकि कहते भी हैं दौलत राम जी, गेगी पे ग्रह में न रहे जो जलती भिन्न कमल गे, नगरी नारी को प्यारी अथा खादे में अमल गए। कि हम अपेक्षा लगाएं,
हम घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहे। एक बार आदमी सेखी तो बहुत मारता, मैं ऐसा हूँ, अरे सांस रुकेगी, तुम कैसे हो, तूफान की तरह आए थे, हाथ भी नहीं ला पाओगे। एक व्यक्ति बोला किसी आगंतुक से, बोले मुझे कोई छोटा मोटा आदमी समझता। उन्होंने कि क्या हुआ, बोले मेरे घर में दो दो शेर रहते हैं। अच्छा, कहने तुम शेर रहते हैं? बोले हमारे यहाँ एक गज भी है। कहने लगे अच्छा, कहने लगे हम बहुत बड़े आदमी हैं, गाँव के बहुत मुखिया हैं। उन्होंने कि तो आपकी हवेली बड़ी होगी। कहने लगे अरे मेरी हवेली की बात कर, तो मेरे यहाँ तो पलंग भी सोने का है, और मैं तो अपनी बीवी के लिए चूड़ियाँ लाया था, 2 लाख की तो चूड़ियाँ लाया था। उन्होंने कहा तब तो आपके घर आना चाहिए। कहने लगे आना, अब वो जो गांव का पता बताया था वहाँ तो कोई हवेली नहीं थी, मिट्टी के झोंपड़े थे। जैसे तैसे बामुश्किल नाम माम पूछ के उसके घर पहुँचा। कहने लगे भाई आप कह रहे थे कि सोने का पलंग है, दिखाओ कहाँ है। तो अपनी खटिया दिखाई। कहने लगे यही तो मेरा सोने का नींद लेने का, बोला सोने का पलंग है। उसने कहा ये तो तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, गाय तक नहीं है, तुम कह रहे थे कि 2-2 शेर हैं। उसने कहा ये नापने वाले 2 शेर रखे हैं, बांटे शेर ही तो हैं, मैंने कहाँ गलत बोला। बोले तुमने बोला था हमारे यहाँ गज हैं, गज कहाँ हैं? बोले कपड़ा नापने वाला एक गज रखा हुआ है ना, देखो। कहने लगे तुमने कहा था कि तुम्हारे यहाँ 2 लाख की सोने की 2 लाख की चूड़ियाँ हैं। वो बोला तुमने बोला था कि तुम्हारे यहाँ 2 लाख की चूड़ियाँ हैं। पत्नी से बोला ला के दिखा तो, मैंने झूठ थोड़ी बोला था। वो 2 लाख की चूड़ियाँ हैं, समझ गए, लाख जो वो पदार्थ होता वो उसकी चूड़ियाँ थी। ऐसी हमारी सूखी फुटानी है, हमें एकांतवाद के कारण, पक्षपात के कारण, अहंकार के कारण अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। आज परिवारों में क्यों लड़ाई, मेरा बेटा, अरे तुम बेटा साथ लाए थे क्या? सब बच्चों को इतना प्यार दो कि सबको लगे माँ से बढ़कर है। हम अपने बुजुर्गों को इज्जत देते हैं, नहीं, दुनिया जब सार्थक होगी, जब सारे बुजुर्ग हमारे परिवार की तरह हो जाएंगे, हमें सब बुजुर्गों के प्रति वो आदर सम्मान होगा जो हमें अपने दादा के प्रति है। तुम्हारे नाम को कौन याद रखता है? तुम्हें आज सोच कर देखो, दुनिया के हीरो के नाम, हीरो फिल्मी अभिनेताओं के नाम याद हैं, खेल वालों के नाम याद हैं, तुम्हें विदेश की जलवायु याद है, तुम्हें अमेरिका के प्रधानमंत्रियों के नाम याद हैं। जितने हुए होंगे उतने सबके याद होंगे, अपने 5 बाबा के याद नहीं होंगे, 5 पीढ़ी के आगे के नाम तुम्हें याद नहीं होंगे। इसलिए अपने नज़र को बदलिए, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। आप अपना नज़रिया साधवाद में लाइए, अनेकांत में लाइए, अपने जीवन को सुखी और संपन्न और शांतिमय बनाइए, यही जीवन की उपलब्धि होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यांजक थे श्रीमती कुसुम जैन एवं समस्त परिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में श्री आनंद जैन एवं समस्त परिवार, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन एवं समस्त परिवार, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्रीमती सरिता एम के जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं।
शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।